नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से लेके आया हूँ और आप वीडियो में एंड तक बने रहिए जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ सके। यदि इससे पहले वाली सीरीजों को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में विभिन्न प्रकार की आपको सीरीज उपलब्ध करवाई हुई है, वहाँ से आप उन सभी सीरीजों को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको 61 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन से दिखाई दे रहा है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। और ये क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा हुआ है कि किसी भी पदार्थ की फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? उसकी पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? ए होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण की लंबाई +15 है तो यह है। यानी कि हमारे को इस क्वेश्चन में हमें ऐसे बताना था कि यदि किसी दर्पण की लंबाई यदि +15 है तो दर्पण का प्रकार कौन सा है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल और एक होता है अवतल। एक तो होता है कैसा? उत्तल होता है और एक होता है कौन सा? अवतल होता है। इसकी हमने थ्योरी सेक्शन भी देखा है, प्लेलिस्ट में बहुत से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं दर्पणों से संबंधित, वहां से आप जाके उनका पूरा थ्योरी सेक्शन देख सकते हैं जिससे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ सके। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ भी समझने वाले हैं कि जिस दर्पण की प्लस में फोकस दूरी होती है वो दर्पण का प्रकार होता है कौन सा? वो दर्पण का प्रकार होता है उत्तल। और जिस दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है वो दर्पण का प्रकार होता है कौन सा? अवतल होता है। और यहाँ हमारे को प्लस दे रखी है तो प्लस के आधार पर हम बताते हैं कि वो कौन सा है, वो है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो आप सही उत्तर को समझ पाए होंगे यहाँ से। यदि आपको नेगेटिव पूछता है तो नेगेटिव किसकी होती है? अवतल दर्पण की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। किसी भी गोलाकार दर्पण की यदि फोकस दूरी को हमें पता करना होता है तो जो लेंस का जो फोकस दूरी होती है, यानी कि उसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? छोटे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। और लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। और यहाँ से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? डी होता, कि किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये फोकस दूरी त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। त्रिज्या की आधी के बराबर होती है। यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 5 होगी। ऐसा हमने वो थ्योरी सेक्शन में भी सीखा है ऐसी बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आभासी और आवर्धित मतलब किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कौन से दर्पण की आवश्यकता पड़ती है? कि हमारे पास गोलीय दर्पण दो होते हैं, एक तो होता है कौन सा? उत्तल, एक कौन सा होता है? अवतल। अब उत्तल तो किस प्रकार का होता है? उत्तल होता है इस प्रकार का जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरी हुई हो। और अवतल जो होता है, अवतल वो होता है जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दसी हुई हो। अब वह दर्पण या वह लेंस जो प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करता है वो हमेशा बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो यहाँ से जो उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित नहीं करेगा, फैलाएगा। और जो फैलाता है वो कैसा बनाता है? छोटा चित्र बनाता है। जबकि जो एकत्रित एक बिंदु पर करता है वो कैसा बड़ा बनाता है? बड़ा चित्र बनाता है। तो बड़ा बनाने के लिए हमें किस दर्पण की आवश्यकता होती है? अवतल दर्पण की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चंस में भी हमारे को बड़े के बारे में ही पूछ रखा है, तो बड़े के बारे में कौन सा बताते? अवतल दर्पण बताते। तो 64 का सही उत्तर होता कौन सा? सी होता। चलिए इसी प्रकार आगे के क्वेश्चनों को भी डिस्कस करते हैं। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी हुई है? तो अभी हमने क्या जाना कि जो गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो कुछ इस प्रकार से होता है, एक कुछ इस प्रकार के होता है। एक में परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरी हुई होती है जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। और एक दर्पण ऐसा होता है जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दसी हुई होती है, वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। जो एक बिंदु पर एकत्रित करता है वो कैसा बनाता है? बड़ा बनाता है। और जो दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है वो कैसा चित्र बनाएगा? छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। तो हमारे को यहाँ छोटी छवि, छोटा चित्र के बारे में पूछा हुआ है, तो छोटा कैसा बनाएगा? उत्तल दर्पण बनाएगा। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? उत्तल दर्पण। और एसएससी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा दर्पण होता है जो छोटी छवि बनाता है, तब आपको क्या बताना है? उत्तल दर्पण। यदि बड़ी के बारे में पूछे तो बड़ा बताना है कौन सा? अवतल दर्पण। तो चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ हमें किसके बारे में पूछा हुआ है, बड़े के बारे में पूछा हुआ है। अब यहाँ कहीं भी आपको, चाहे वो लेंस हो चाहे से दर्पण हो, बड़े के बारे में आपको पूछा जाता है, तब आपको बताना है क्या कि जो एक बिंदु पर एकत्रित करेगा। लेंसों के बारे में पूछे तो लेंसों में क्या बताना है, जो एक बिंदु पर एकत्रित करे वो बड़ा बनाएगा। और यदि दर्पणों में पूछे तो दर्पणों में जो एक बिंदु पर एकत्रित करेगा वो कौन सा होता है, अवतल होता है। और लेंसों में पूछे तो लेंसों में कौन सा होता है, उत्तल होता है। उत्तल लेंस बड़ा बनाता है लेंसों में, जबकि अवतल लेंस बड़ा बनाता है किसमें, दर्पणों में। अभी इसके उत्तर दो हो सकते हैं, हमारे पास उत्तल दर्पण भी इसका उत्तर हो सकता है और इसका उत्तल लेंस भी इसका उत्तर हो सकता है। तो आवर्धित कौन से बनाते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। अब पहले तो हमें चुनना था कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस चुनना था हमारे को पहले, तो उत्तल लेंस हमारे पास ऑप्शन में है, अवतल दर्पण हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही तरीके के बिहेवियर करते हैं। कैसा चित्र बनाते हैं, बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से सही उत्तर कौन सा होता है, उत्तल लेंस, या हमारे पास इसका उत्तर हो सकता है कौन सा, अवतल दर्पण। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर को आप जान पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी हुई है। ऐसे हमने बातें कर चुके हैं कि छोटी छवि कौन बनाएगा, वो बनाएगा उत्तल दर्पण और कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो उत्तल दर्पण हमारे पास ऑप्शन में है, यदि हमारे पास उत्तल दर्पण इस क्वेश्चन में नहीं है तो हमारे पास आ सकता है और क्या, अवतल लेंस। क्या आ सकता है, अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों एक ही तरीके के बिहेवियर करते हैं। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है दर्पणों में, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है किनमें, लेंसों में। तो दोनों एक ही तरीके की किसी भी वस्तु इनके सामने रखी हुई उसका कैसा बनाते हैं, छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो आप सही उत्तर को समझ पाए होंगे, यहां से सही उत्तर कौन सा होता, बी होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है, नियोन गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सी गैस होती है, वो गैस होती है नियोन गैस। और नियोन गैस आवर सारणी में कहाँ आती है, जो 18वां वर्ग होता है। 18वें वर्ग को कौन सी गैसों, किन गैसों को शामिल किया जाता है, अक्रिय गैसें होती हैं। इनका अष्टक पहले से पूरा रहता है, इनको शून्य गैसें भी कहते हैं, इनको नोबेल गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं, नोबेल गैस भी कहते हैं। और नियोन के साथ जैसे आर्गन आती है, हीलियम आती है, ये सभी कौन सी गैसें होती हैं, नोबेल कहा जा सकता है, अक्रिय गैसें कह सकते हैं, जीरो वर्ग में आने वाली गैसें कह सकते हैं, 18वें वर्ग में शामिल होने वाली गैसें कह सकते हैं। तो जो सड़कों पे लैंप पे काम, लैंप में जो प्रयोग की जाती है गैस, वो कौन सी होती है, नियोन गैस होती है। तो आप सही उत्तर को जान पाए होंगे, सही उत्तर कौन सा है, बी है। तो इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आगे का क्वेश्चन है, वेग एक्स से युक्त समतल दर्पण पर प्रकाश तरंग की घटना है, परावर्तन के पश्चात इसका वेग कितना हो जाता है। कि जैसे हमारे पास ये कोई समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण पे एक्स वेग से कोई प्रकाश की किरण आई और ये परावर्तन हुई, परावर्तन के पश्चात इसका वेग कितना हो जाएगा, ये पूछा हुआ है क्वेश्चंस में। तो इसका वेग कभी भी नहीं बदलता है, जितने वेग से प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आती है, परावर्तन के पश्चात वो उतने ही वेग से बाहर निकलती है। जैसे कि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई तो ये 10 के वेग से ही वापस जाएगी, और यदि 20 के वेग से आई तो ये 20 के से ही बाहर निकलेगी, इसके वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो कौन सा था, शुरू में इसका वेग x था, तो परावर्तन के बाद इसका वेग कितना होगा, x ही होगा। ये क्वेश्चन SSC 10+2 2015 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसमें एक लंबी संकीर्ण नली होती है जो आमाशय में मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है, इसमें क्या अंतर्विष्ट होता है। अब यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है कि आमाशय में अल्सर उत्पन्न होने पर डॉक्टर हमारे मुंह से तार अंदर प्रवेश करता है, शरीर के अंदर प्रवेश करवाता है, और वो तार जो होता है वो कौन होता है, एंडोस्कोप होता है। कौन सा होता है, अंतर्दर्शी होता है, और अंतर्दर्शी में क्या लगे रहते हैं, प्रकाशी फाइबर लगे रहते हैं, जिससे कि अंदर आमाशय की फोटो बाहर आसानी से देखी जा सके। और ये जो फाइबर होता है, ये प्रकाशिक फाइबर जो होता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है।
किस सिद्धांत पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी में बहुत बार रिवाइज होने वाला क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से सही उत्तर बताते कौन सा, सी बताते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, रेलवे की जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वनोन्मूलन से सामान्यतः खालिस्तान में कमी आती है, कि यानी कि वनों की कमी होती है तो किसकी कमी होती है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल थका हुआ क्वेश्चन जिसको हम कह सकते हैं वो क्वेश्चन है। तो वर्षा की जब कमी होती है तो वर्षा की कमी होने पर किन की कमी होने लग जाती है? वनों की कमी होने लग जाती है, क्योंकि चारों तरफ सूखा छा जाता है, तो सूखे छाने पर किसकी कमी हो जाती है? वर्षा की कमी हो जाती है, जिससे कि वन क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो आप सही उत्तर को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट 72 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? जो हमारे पास चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में से चुनना था कि ध्वनि प्रदूषण से कौन सा प्रभाव प्रकट नहीं हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण से पशुओं की मौत हो सकती है क्या? कर्णाद ये तो कन्फर्म है कि बी ऑप्शन तो इसका प्रदूषण का प्रभाव है। अब नहीं वाला बताना है, उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, पशुओं की मौत भी हो सकती है, लेकिन कभी भी ध्वनि प्रदूषण से ओजोन का क्षय नहीं होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनटीपीसी लास्ट ईयर जो पेपर लगे थे 2016 में, वहां से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव कौन सा नहीं है, ओजोन का क्षय होना। और ओजोन क्षय होती है सबसे ज्यादा किससे? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जो गैस होती है जो पटाखों से निकलती है, एयर कंडीशनर से निकलती है, फ्रिज से निकलती है, तो वहां ओजोन क्षय होने का खतरा होता है। तो आप सही उत्तर को समझ पाए होंगे। आपको नहीं वाला पूछा हुआ है तो नहीं क्या बताते, ओजोन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती है? ध्वनि प्रदूषण से कौन सी समस्या नहीं हो सकती? डायरिया, डायरिया कभी भी नहीं हो सकती ध्वनि प्रदूषण से, जबकि ध्वनि प्रदूषण से बहरापन आ सकता है, उच्च रक्तदाब आ सकता है, और व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी डायरिया नहीं हो सकता है। ये भी एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है 2014 में जो पेपर लगे थे, तो आप यहाँ से सही उत्तर को समझ पाए होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है इसमें, तो आपको कोई थ्योरी सेक्शन में कुछ जाने की जरूरत भी नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? अब यहां से हमारे को जल प्रदूषण का कारण बताना था कि किसके कारण जल प्रदूषण कभी भी नहीं होता है। अब जैसे तेल फैलता है, तो ये तो आप देखते ही करते हैं कि तेल फैलने से क्या जल का प्रदूषण होता है। तट पर मछली पकड़ना, घर का कचरा, समुद्र डंपिंग से भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। घर का कचरा यदि पानी में डालते हो तो घर का कचरा पानी में डालने पर भी जल प्रदूषण होता है, लेकिन यदि हम तट पर मछली पकड़ते हैं उससे कभी भी जल प्रदूषण नहीं होता है। तो आप सही उत्तर को जान पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट 75 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? निम्न में से ऐसी कौन सी धातु होती है जो वायु प्रदूषण का कारण सर्वाधिक बनती है? तो कौन सी धातु? सीसा। और ये सीसा कहाँ से निकलती है? जो वाहनों का जो धुआं होता है, इस धुएं से निकलता है कौन? सीसा। और ये सीसा सर्वाधिक वायु प्रदूषण को फैलाने के लिए कारगर होता है। तो आप यहाँ से समझ पाए होंगे, ये भी एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है कि कौन सी धातु वायु प्रदूषण का कारण बनती है? सीसा। और ये कहां से निकलता है? वाहनों के धुएं से निकलता है। तो आज वाला जो क्वेश्चन का जो सेट था, उसको सभी क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। तो अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें, और हमारे आप टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करें आरडी मैचार्जन, तो आप वहां से आपको पीडीएफ वगैरह मिल सके। चलिए एक नए वीडियो में फिर से आपसे बातें करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखें। धन्यवाद।